वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। तो जी हम आ गए हैं। मैरी क्रिसमस एवरीवन, मैरी क्रिसमस। आज क्रिसमस है, ठीक है, तो 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन है। और आज आप लोगों की, हम उम्मीद करते हैं आज का दिन आप लोगों की लाइफ में बहुत खुशियों भरा रहे। ना सिर्फ आज का दिन, बल्कि आज के दिन से हम चाहते हैं कि आगाज़ हो जाए आपकी लाइफ में खुशियों की स्टार्टिंग का। और ये पूरा साल, अभी क्योंकि नया साल स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हमको लगता है कि ये बड़ा दिन होता है, बड़ा दिन माना जाता है। तो हम चाहते हैं कि 25 दिसंबर से ही अगर लोगों की लाइफ में नया साल शुरू हो जाए, और हमें ऐसा लगता है कि 25 तारीख से ही, जो है आज के तारीख से ही न्यू ईयर शुरू हो जाता है, बड़ा दिन होता है, तो बस नया साल शुरू हो गया, बस हमारे लिए ये है। तो हमको क्या बोलना है, हाँ, टैरो क्लासेस के लिए आपने एनरोल कराया है, तो दो लोगों का एनरोलमेंट हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दो लोग हमारे टैरो बैच में जुड़ जाएंगे, थर्ड बैच में, ठीक है। तो कम्युनिटी भाई कमाल हो रहा है। हमसे जो है क्या बोले, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो दो खुदा के नेक बंदे और जुड़े हैं जो हमसे टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं, और दो लोगों ने पेमेंट कर दी है, इनिशियल पेमेंट एनरोलमेंट फीस। तो आप, आज का दिन बहुत शुभ था इसलिए हमने आपसे बोला था, जो लोग एनरोल कराना चाहते हैं प्लीज़ अभी भी मतलब आप करा सकते हैं एनरोल। वैसे भी जनवरी के सेकेंड वीक से हम सेकेंड वीक में जो संडे आएगा, हम क्लासेस शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग एनरोलमेंट करा सकते हैं, बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ थर्ड बैच का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। नया साल है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कीजिए, ठीक है। लोगों का भला कीजिए, हील कीजिए, लोगों को अच्छा लगेगा आपको। आज हमने सुबह एक व्लॉग डाला था, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा, क्रिसमस मनाया हमने छोटे छोटे बच्चों के साथ, ठीक है। आप लोगों का ही दिया हुआ है कुछ, हमने अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ा सा काम किया है, नहीं, आप ही लोगों का दिया हुआ है, आप ही लोगों का दिया हुआ प्यार है। लेकिन हाँ, कल सेंटा की ना एक बात सच हुई है, हमारे ऊपर लागू हुई है, जस्टिस का तो पता नहीं, लेकिन ब्लेसिंग्स बहुत मिली है। हमने कल आपको बोला भी था ना कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं बहुत सारी, तो हाँ, बहुत सारा मतलब झोली भर गई हमारी ब्लेसिंग से, इतनी ब्लेसिंग्स मिली हमें। और इंडिविजुअली आप लोग तो हमें करते ही हैं, कमेंट कर करके गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, वहाँ पर भी हमें चर्च में बहुत गॉड ब्लेस यू सुनने को मिला। ना सिर्फ हमने छप्पर फाड़ के दिया, बल्कि वहाँ से भी जो है हमको बहुत मिला। तो यही होता है, हमने बोला ना, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। तो कोई बहुत बड़ा तीर हमने नहीं मारा है, लेकिन हाँ, अच्छा लगता है। आप लोग करके देखिए, जब किसी को खुशियाँ देंगे ना तो अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के आप जो है लुटा दें अपने आप को, ऐसा नहीं, लेकिन जितना भी होता है, कम से कम भी जेस्चर जो होता है ना, आप करेंगे ना तो आपको खुशी बहुत मिलती है, एक अंतरात्मा जो है वो बहुत सुकून महसूस करती है, ठीक है। दो लोगों के चेहरे पर अगर आप मुस्कान लाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम गए थे आज अपनी मम्मी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने, हमारे स्कूल, तो हाँ, हम स्कूल में पढ़े हैं, तो हमारे स्कूल के अंदर ही वो जो है वो चर्च है, बहुत पुराना चर्च है वो, ब्रिटिशर्स के ज़माने का चर्च है, तो तब का है। तो हम गए थे वहाँ पे, बहुत लोग मिले हमें, बहुत लोग, सबको लगा कि हम क्रिश्चियन हैं, बट मतलब हमारी हैप्पीनेस देख के ना सबको ऐसा लगा कि हम क्रिश्चियन हैं। तो सब हमसे पूछने लगे, आप क्रिश्चियन हो? तो हमने कहा नहीं, हम क्रिश्चियन नहीं हैं। लेकिन वही होता है, अब क्रिश्चियन हो या किसी भी कम्युनिटी से हो, सबसे पहले हम एक इंसान हैं, और भगवान के बंदे हैं, भगवान ने ही भेजा है दुनिया में, ठीक है। अपने आप हवा में उड़ के प्रकट नहीं हुए हैं, ये ज़िंदगी उसी की दी हुई है, ईश्वर की दी हुई है। तो बस अब क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर सिख हो, क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, तो ये रही बात, ठीक है, हमको किसी को कोई जजमेंट नहीं देना है। कुछ एक आध कमेंट ऐसे आए थे जो हमको अच्छे नहीं लगे, बट
हम उस बारे में भी कोई बात नहीं करना चाहते, ठीक है। खैर को नहीं करना है, आज का दिन तो बहुत वैसे भी अच्छा सा दिन है, तो अपना मूड ख़राब नहीं करना है। क्रिसमस है, जीसस का जन्मदिन है, ठीक है। हमारे पापों के लिए उन्होंने अपने आप को त्याग किया था, अपने आप की ज़िंदगी भर जो है कुर्बान की थी। सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होती हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होती हैं। खैर तो ये रही बातें। टैरो रीडिंग के लिए प्लीज़ आप हमें पर्सनल मेल पे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, karmatarot1111@gmail.com। और टैरो क्लासेस के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, karmatarot1111@gmail.com। तो थर्ड बैच में देखते हैं कौन कौन है वो लकी खुदा के नेक बंदे, कौन कौन है वो लकी पीपल जो इस थर्ड बैच का हिस्सा बनेंगे और लिटरली स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करेंगे। और भगवान के चुने हुए लोग हैं, चुने हुए कौन कौन नेक्स्ट थर्ड बैच में कौन कौन एनरोल कराता है वही हम देखेंगे। तो अभी एनरोलमेंट जारी है, आज एक अच्छा दिन था तो इसलिए दो लोगों ने एनरोलमेंट करा लिया है, वेरी गुड। बाकी अभी भी टाइम है, आप लोग एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। अभी हमने एनरोलमेंट क्लोज़ नहीं की है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा हमारे मेल पर अगर आप टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं तो, ओके। तो आज की रीडिंग क्या है, आज की रीडिंग ये है, ठीक है, समझ गए होंगे ये देख के। कैंडल वैक्स है ऑन वाटर, ठीक है, पानी में कैंडल वैक्स है और ये हमने लिया है आज। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ऑरेंज कलर का कैंडल लिया है यहाँ पे, ठीक है। और अब हम जला देते हैं इसको, ठीक है। तो अगली बार जो है आपको शायद हम ना दिखें, शायद आपको जो है सेटअप दिखे, मतलब कैंडल और ये कैंडल वैक्स, क्योंकि हमारा थोबड़ा देके क्या करेंगे ये देखना ज़रूरी है ना। तो चलिए, तो जी बहुत अच्छे से कैंडल जल गया है, अभी हम आपको दिखा देते हैं, रुकिए। कुछ समझ नहीं आया यार, फ़ोन घुमाना, फ़ोन को जो है हमने टर्न किया है बस एक साइड से दूसरे साइड पे, तो वीडियो बंद हो गया यार, बताइए हमको दोबारा से वीडियो चालू करना पड़ा यार। खैर जो भी है, अब हम जो है रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कैंडल जला दिया है तो हमने दोबारा से वीडियो स्टार्ट किया है, ठीक है। और हमको जो है वीडियो कंबाइन करना भी हमने आज सीख लिया है, तो हम वीडियो कंबाइन कर देंगे इसको उसको, है बड़ा ही अच्छा सा। हमको जो है हमने यूट्यूब पर देखा क्या करना होता है, एक ऐप आता है डाउनलोड किया, उससे जो है हम इसको कंबाइन कर देंगे, ओके, तो चिपका देंगे दोनों वीडियो को एक साथ। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। तो बेसिकली हम जानना देखेंगे कि क्या क्या हमें जो भी दिखाई देगा वो हम आपको बताएंगे, कुछ भी लिटरली, ओके। ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग सबसे पहली बार ट्रैवलिंग, बोरिया बिस्तर बांध रहा है कोई, डेफिनेटली कोई बोरिया बिस्तर बांध रहा है। बहुत अच्छा सा हमें एक फ्लावर बनता हुआ दिखाई दिया है, बिल्कुल एकदम फ्लावर क्लोवर, फोर लीफ क्लोवर हमें दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की लाइफ में अबंडेंस भर भर के आ रहा है जी, भर भर के बहुत सारा मनी पैसा, ठीक है, ओवरफ्लो होता हुआ। दूसरी बात, हमें किसी का जो है यहाँ पर ट्रैवलिंग दिख रहा है, पक्का कोई बहुत दूर इंटरनेशनल ट्रेवल हो सकता है, या फिर अपने जगह से पक्का कोई तो बाहर जा रहा है जिसने जो है अपना बैग्स वगैरह पैक किया है। बिल्कुल लिटरली एक आदमी हमें यहाँ पे दिखाई दिया बना हुआ, जिसके बैग में बैकपैक है, बैग बना हुआ था, टेडी बियर, किसी ने हाल फिलहाल में टेडी बियर परचेज किया होगा। बहुत जल्दी जल्दी मैसेजेज आ रहे हैं, वाह वाह वाह, सबसे रेजोनेट नहीं होगा, जितना होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है। किसी का मन कर रहा है डॉगी पेट करने का, डेफिनेटली किसी का बहुत मन कर रहा है, हैं कोई पेट लेने का बेसिकली। तो फ्लावर्स बहुत दिखाई दे रहे हैं हमें, फ्लावर्स, ठीक है, आप लोगों को बहुत जल्दी किसी से फ्लावर्स मिलेगा। तो ये हो सकता है आपका कोई, या तो कोई ओकेजनली मिल सकता है, या फिर लिटरली कोई आपको जो है फूल जो है वो भेंट करेगा, ठीक है, ओके।
समवन इज स्पाइंग ऑन यू, ठीक है, आप पर किसी की नज़र है, जैसे बिग बॉस की आँख होती है वैसे हमें जो है वो आँख यहाँ पे नज़र आ रही है, तो हम वो आपको बताएंगे जो हमें दिखाई देगा। बटरफ्लाई हमें दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे चेंजेस, कंफर्ट जोन से निकलता हुआ एक इंसान, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या चीज़ है जी, क्रिसमस के मौके पर भाई इतनी भर भर की चीज़ें आ रही हैं, अरे वाह यार वाह। देखिए हमें ना एक इमेज दिखाई दे रही है जो हमें बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है, बिल्कुल जो डॉल होती है ना ब्लैक कलर की, वूडू वाली, आपको पता होगा जिसमें ब्लैक मैजिक किया जाता है, लिटरली वो डॉल यहाँ पे बनी हुई है। अगेन आई एम सीइंग अ बटरफ्लाई, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। अरे यार गणपति आ गए, यार गणपति आ गए, ओ भाई साहब गणपति आ गए यार, क्या बताएं आपको, दिखेगा नहीं दिखेगा आपको, पता कैसे बताएं हमें, ये हमें गणपति दिखाई दिए हैं बिल्कुल यार, गणपति बने हुए हैं यार, इसमें गणपति बने हुए हैं, हैं कमाल हो गया यार, कमाल हो गया भाई साहब। किसी ने तो कुछ परचेज़ किया है टेडी बियर जैसा, मिकी माउस से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है, बहुत ही क्यूट सा कोई टेडी बियर, सॉफ्ट सॉफ्ट टॉय, बेसिकली हम कहने का मतलब है सॉफ्ट टॉय किसी ने परचेज़ किया होगा, या कोई देख रहा है हाल फिलहाल परचेज़ करना चाहता है, सॉफ्ट टॉय से कोई अट्रैक्ट हो रहा है इस समय लेना के लेने का सोच रहा है, एक नरम नरम सा मुलायम मुलायम सा, ये कोई क्विल्ट भी हो सकता है क्योंकि सर्दियाँ बहुत आ रही है, तो नरम नरम फ्लीस वाले जो बिल्कुल सॉफ्ट ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, कोई उन सब चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है और लेना चाहता है, कोई मखमली बिस्तरा टाइप का है। आगे देखते हैं, लोटस, भाई बहुत भर भर के अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में है, मतलब अबंडेंस लाइक लिटरली बहुत अबंडेंस आ रही है, लेकिन कोई आप पे नज़र रख रहा है एक तो, और किसी को आपसे जलन है, और शायद वो आपकी स्टेबिलिटी को बर्बाद करने के लिए कोशिश करे, लेकिन क्योंकि हमें इस यहाँ पे गणपति जी ने दर्शन दे दिए हैं और हमने आपको बोल भी दिया था कल, आपको शायद अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे हमने बोला था कि आप इस पूरे साल बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे। अरे हाँ प्रोटेक्शन से याद आया, नहीं अभी हमको जो है मैसेजेस आ रहे हैं, पहले हम ये मैसेजेस बता देते हैं, उसके बाद हम आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताएंगे, बहुत ही ज़रूरी। हार्ट लीजिए, बहुत ही अच्छा सा दिल बन गया है यहाँ पे, तो भाई दिलों का मामला, जहाँ जहाँ दिलों का मामला है वो सारे दिलों के मामले सुलझ जाएंगे, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहला थॉट हमें यही आया, दिलों के मामले सुलझते हुए नया प्रपोजल भी किसी को मिलने का चांस है। आपके बारे में बहुत बातें होंगी, मतलब आप लिटरली अट्रैक्शन का केंद्र बनने वाले हैं, मतलब आपके विषय में काफ़ी चर्चाएँ होने वाली है, पता नहीं क्यों बट हमको ऐसा बिल्कुल फील हुआ है, आपके बारे में बहुत चर्चाएं होने वाली है। लाइक लिटरली थ्री ऑफ पेंटिकल्स की वाइब्स आ रही हैं, आपसे बहुत सारे लोग एडवाइस लेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, किसी की हेल्प आपको मिलेगी, किसी भी मामले में आपको थोड़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। स्काई डाइविंग और बंजी जंपिंग हमें दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली आप लोग कोई तो है जो बाहर टूर पे जा रहा है, ट्रेवल पे जा रहा है और ये सब एडवेंचर करने का सोच रहा है, वेरी गुड। स्विमिंग, भाई इतनी सर्दी पड़ रही है, स्विमिंग कौन करता है इस सर्दी में, है गर्म पानी में स्विमिंग करेंगे आप क्या, हैं अगर ऐसा होता है तो वेरी गुड, गर्म पानी में स्विमिंग करिए। भाई मास्क क्यों दिखाई दे रहा है इतना, हमने सुना कि कोरोना वापस आ गया है, हो
हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को ज़रूरत पड़े मास्क लगाने की, तो लगा लीजिए भाई। मास्क दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें, बहुत अच्छे से बना हुआ है, लिटरली पूरा फेस है जिसने मास्क लगा रखा है। ओके, हमें एक और मैसेज आ रहा है कि लिटरली कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो मास्क लगा के घूमता है, मतलब मास्क लिटरली वो वाला मास्क नहीं, N95 मास्क की बात नहीं कर रहे हम, नकाब पहन के, नकाब पोश आदमी जो दिख है कुछ और दिखता कुछ और है और होता है कुछ और, मतलब उसके मन में कुछ और चल रहा है और वो दिखाता कुछ और है, समझे आप। तो इस तरह का कोई मास्क मैन भी आपकी लाइफ में हो सकता है, बोला ही हमने आपको ऑलरेडी, ईविल आई का बता दिया था आपको जो है, वूडू की भी हमें यहाँ पे एनर्जीज आई थी, और साथ ही यहाँ पे आपके ऊपर स्पाय चल रहा है वो भी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कल 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 कोई पक्का रोया है, अभी भी शायद अरे कौन हो भाई, क्यों आंसू बहा रहे हो यार, क्यों रो रहे हो? जो भी रो रहा है या जो भी रोया है, हमको सिर्फ एक ही बात आपसे बोलनी है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, ठीक है, बिल्कुल दुखी मत होइए। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको आप पे पूरा भरोसा है, हम हैं, बिल्कुल हैं, परेशान ना होइए, परेशान ना होइए, आपके आसपास हम हैं, आपके बिल्कुल इर्द गिर्द हम हैं, ठीक है। बहुत परेशान है कोई, किसी की मतलब एनर्जीज ऐसी हो रही है कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई ऐसी स्थिति में कोई पर्सन डेफिनेटली है जो ये समझ नहीं पा रहा है कि उसको आगे कौन सा स्टेप लेना चाहिए, मतलब किसी किसी भी सिचुएशन किसी भी सिनेरियो में कोई एक पर्टिकुलर निर्णय लेने में घबराहट, ऐसा हो सकता है, हैं। आगे देखते हैं। अरे रो मत भाई, रो मत, जो भी हो रो मत, अरे रुलाओगे क्या यार, हैं बताइए, हमको रुलाएंगे क्या, हैं? नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है, अरे भाई हम है ना, रोना नहीं है, रोना नहीं है, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक टाइम के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सारी चीज़ें बैलेंस में आ रही है बहुत जल्दी, परेशान नहीं होने का। सब कुछ जो धीरे 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 अल्टीमेटली सेटल हो रहा है, हैं, नहीं परेशान नहीं होना है। बटरफ्लाइज वगैरह हमें बहुत दिखाई दिए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली किसी की लाइफ में हो ही रहा है, गुजर रहा है कोई ट्रांसफॉर्मेशन से, है सेवन सेवन नंबर ना इम्पोर्टेंट हो सकता है, यार कोई इतना इतना रोया है कि उसकी आंखें लिटरली सूज गई हैं, हैं आंखें लाल हो गई हैं, मतलब कोई इतना रोया है। ए अल्फाबेट दिखाई दे रहा है हमें, हैं, प्लैनेट हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपके प्लैनेट्स में कुछ
जो है कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, कुछ बदल रहे होंगे शायद, इसलिए जो है प्लैनेट हमें दिखाई दे रहा है, जो लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन हमने आपको बताया ही कि हो रहा है। वो स्पार्क, किसी का जो स्पार्क है ना, वो थोड़ा सा दब गया है। अपना चार्म जो है वापस से बाहर निकालने की किसी को ज़रूरत है। थोड़ा सा डाउन है, मतलब मन होता है ना, थोड़ा सा कोई पर्सन ऐसा है जो उदास है, थोड़ा सा मन में थोड़ा सा एंजाइटी टाइप, मतलब रह रहे के जो है वो स्पार्क ख़त्म हो जाता है। बीच बीच में अचानक से वो पर्सन खुश हो जाता है, लेकिन अचानक से फिर से जो है बिल्कुल लिटरली डाउन चला जाता है, लो फील करता है। किसकी एनर्जीज है भाई, इतना परेशान नहीं होने का। क्रिस्टल्स, कुछ लोग क्रिस्टल्स से शायद अट्रैक्ट हो रहे हैं इस समय। अच्छा लग रहा होगा आपको, क्रिस्टल्स वगैरह में दिलचस्पी हो रही होगी, क्रिस्टल हीलिंग टाइप कुछ आप चाहते हैं, मन कर रहा होगा आपका। है बहुत ही खूबसूरत सा दिल फिर से बना है, इतना खूबसूरत बना है और इतना अच्छा सा शेप लिया है। अरे वाह यार, फिर से दिल आया है भाई, ये तो कमाल हो गया यार। है ये तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाली एनर्जी आ गई, दो दो दिल एक साथ, दो दिल मिल रहे हैं भाई, दो दिल मिल रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, मगर चुपके चुपके। अरे भाई कौन है ये जो तंबाकू खाता है? अगर कोई तंबाकू और सिगरेट वगैरह पीता है और परेशान है, जल्दी से जो है इस चीज़ से निजात पा लो, आगे थोड़ा सा डेंजर हो सकता है, खतरा आ सकता है। प्लीज़ अगर कोई भी ऐसा है जिसको तंबाकू वगैरह की लत है, जल्द से जल्द जो है तंबाकू छोड़ दीजिए, डेंजर है, डेंजर, बहुत डेंजर है, तकलीफ़ हो सकती है बाद में आपको, तो वार्निंग है। अभी छोड़ देंगे तो शायद आपको बाद में दिक्कत ना हो, कोशिश कीजिएगा, हर चीज़ का इलाज है, तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए, छोड़ छोड़ दीजिएगा। हैं आगे देखते हैं, कैंडल ख़त्म होने ही वाला है, और जो है हमको जो है जैसे ही गरम गरम लगेगा हम इसको जो है छोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, गाजर का हलवा खाइए खाइए, सर्दियों का टाइम है, खाना बनता है, मूंगफली गजक है, क्या बोलते हैं उसको, रेवड़ी, मस्त जो है क्विल्ट में बैठ के खाया जा रहा है, हमसे पूछा भी नहीं किसी ने, वेरी गुड, खाइए खाइए। एकदम से हमको ऐसा लगा जैसे कोई लोहड़ी की तैयारी कर रहा है, जो लोहड़ी आने वाली है ना, मनाइए, बहुत अच्छा है, मस्त मज़े आएंगे आपको। हैं हम डर गए। अरे यार एकदम से ना हम डर गए थे। ठीक है, खैर अब जो है वो तो गिर गया, अब हम जो है इसमें से अगर हमको कुछ और भी चीज़ें दिखाई देती हैं तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, लेकिन हमने बताया ना जनरल रीडिंग है, सबके साथ सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं होंगी, तो जितना रेजोनेट करेगा ना उतना लेंगे आप। ठीक है, उतना लीजिएगा, रुकिए।
अरे यार, पता है क्या दिखाई दे रहा है हमें? वो जो, वो नहीं होता जस्टिस का तराजू? अरे भाई, जो जस्टिस का तराजू होता है, ये देखिए, ये तराजू ही तो है। क्या है ये? अरे ये तो टूट ही गया यार। हैं, बहुत कमजोर था ये। देखिए, हमें जस्टिस का तराजू दिखाई दिया है बिल्कुल इसमें। हैं, तो मतलब जस्टिस तो आ ही रहा है। चलो, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तराजू बन गया था, एकदम से तराजू दिखाई दिया है हमको। तो तराजू का मतलब, कहने का मतलब है तो डेफिनेटली भाई, किसी की लाइफ में डेफिनेटली तराजू, वो क्या कहते हैं, तराजू थोड़ी आ रहा है, जस्टिस आ रहा है। जस्टिस आ रहा है। अरे यार, कर्मा देवता तो हमने बोला ही था कि आएंगे, तो बस आ ही गए हैं। शुरुआत हो गई है ना। देर आर स्नेक स्नेक अराउंड यू। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है भाई, आपके आसपास बहुत सारे सांप हैं जो आपको डसने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं। अच्छा, ये हमको तभी याद आया क्योंकि हमको आपको एक बात बतानी है। तो हमको आपको ये बतानी है बात कि आज जब हम चर्च गए थे ना, तो वहाँ पे जो है एकदम ऐसे सट, मतलब लाइक लिटरली सट, इतने फास्ट मूवमेंट हुई कि मतलब हमको पता नहीं चला, ऐसे बिल्कुल ऐसे चला गया। कौन चला गया? काला बिल्ली हमारे सामने से रास्ता काट के चला गया है। तो हम डर गए, पहले तो हम डर गए, क्योंकि आपको पता है ना कि देखिए, होती हैं सुपरस्टिशंस, होती हैं, और कभी कभार चीज़ें ना ऐसी हो भी जाती हैं। लेकिन फिर तुरंत हमने सोचा कि इससे पहले कि कोई और वहाँ से गुजरता, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि मुसीबत किसी और पे आए, क्या ज़रूरत है, किसी ना किसी पे तो आएगी, अगर आनी होगी तो हम ही चले जाते हैं। हमारे सामने से रास्ता काटा है पहले तो है बिल्ली ने। तो जो हमारी मम्मी ने बोला रुक जाओ थोड़ा, तो हमने कहा नहीं, हम चले आए, क्योंकि वो चर्च के अंदर थे। हमने कहा नहीं, चर्च के अंदर बिल्ली ने रास्ता काटा है। पता नहीं कहाँ से आई वो बिल्ली, चर्च में अंदर घुस गई, इतने सारे लोगों के बीच में, दरवाजे भी बंद थे। अचानक से मतलब ऐसे सरपट लगी, लिटरली जैसे भूतों की फिल्मों में और सीरियल में नहीं होता कि कहीं से आउट ऑफ नोवेयर वो बिल्ली आई और ऐसे आपका रास्ता। हम बहुत डर गए थे सच में पहले तो। लेकिन देखिए ना, अभी दिन बीत गया है, और जो है चर्च में हमारा समय इतना अच्छा बीता, और चर्च में भी जो है जो बिल्ली हमारे सामने से गया, उसके बाद वो दिखाई भी नहीं दी हमको, है किसी को भी नहीं दिखाई दी, गायब। लेकिन हमने ही वो रास्ता उसके ऊपर से हम ही गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे किसी और पे कोई मुसीबत आए। हमारे सामने से बिल्ली काट के गई है, तो जो भी मुसीबत आए वो हम पे आए, किसी और पे क्यों आए हैं। और चर्च में बहुत सारे बच्चे वगैरह भी थे, बुज़ुर्ग थे। लेकिन देखिए ना, हमने बोला ना कि हमारे ऊपर एंजल्स का आशीर्वाद, कल वो रीडिंग हमने अपने ऊपर भी तो थोपी थी, जाहिर सी बात है, हम क्यों नहीं थोपेंगे भाई, ज़रूर थोपेंगे, ज़रूर थोपेंगे। अरे हम अपना थोपड़ा दिखाते हैं आपको, हम दिखेंगे तो हैं, लेकिन अगर ये हमने कैमरा घुमाया तो शायद ये कैमरा फिर से वो ड्रामे करे हैं, धीरे 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 घुमा लेते हैं, क्या पता हम आपको दिखें हैं। अभी रुकिए, अभी रुकिए, डर लग रहा है, फिर से वीडियो बंद हो गई। तो वो वाली वीडियो क्यों बंद हो गई? नहीं देखिए, अभी तो नहीं बंद हुई, बंद हो गई थी वो वीडियो, मतलब कैमरा घुमाने से वीडियो बंद हो जाती है, हमें नहीं पता था वो वीडियो बंद हो गई। हम आपको ज़रूरी बात बता रहे थे ना। खैर, आप कुछ नहीं बताना, वही था जो हम बता रहे थे, वो बिल्ली रास्ता काट गया था हमारा। अब तो हमें वैसे भी कंबाइन करना आ गया, हम कंबाइन कर लेंगे। तो ना फिर उसके बाद ना क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि ये कैसा सा हो रहा है फ़ोन हमारा, टेढ़ा क्यों हो रहा है, कैसा सा हो गया ये, है ऐसा क्यों हो रहा है, बड़ा ही बेकार है सब। जैसा भी है, हम ऐसे टेढ़े हो गए, पता नहीं क्या ही हो रहा है। जैसा भी है, खैर जो भी है, तो हम आपको ये बता रहे थे कि हाँ, फिर बिल्ली रास्ता काट गई, उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर जो है हमारा दिन भी अच्छा भी था। अभी तो हम घर पे देखे, और हमने शाम को जो है केक भी खाया है, मतलब वहाँ पे तो हमने केक बांटा था बड़ा सा, हम सेंटा क्लॉस वाला केक लेके गए थे, सेंटा क्लॉस बना हुआ था। हम घर पे फिर शाम को जो है पेस्ट्री लाए थे, खाए हमने, क्योंकि क्रिसमस के दिन ही हम केक खाते हैं, अपने बर्थडे पर नहीं खाते, तो क्रिसमस के दिन ही हम केक खाते हैं, हमने खाया, बड़ा मज़ा आया है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कलेक्टिव जनरल है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि हमको जो है इसके अंदर अभी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो हमने आपको वार्निंग दी है वो उनका ख्याल रखिएगा, ठीक है। टोबैको स्पेसिफिकली, जो लोग टोबैको वगैरह अगर इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, प्लीज़
जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। कुछ ट्रिगर वार्निंग है, सिगरेट वगैरह कोई भी एडिक्शन, सिगरेट और टोबैको का खासकर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, लंग्स के ख़राब होने के चांसेस ऐसे मतलब हो सकते हैं, हैं तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। और क्या कहते हैं, और हाँ, स्नैक्स, आपके आसपास बहुत सारे स्नैक्स हैं, स्नैक्स मतलब लिटरली स्नैक्स नहीं, आस्तीन का सांप जो आपको बैक स्टैप करेंगे, आपको धोखा देंगे, बट यू आर प्रोटेक्टेड, तो आप लोग प्रोटेक्टेड है ना, तो आपको जो है हर मुसीबतों से बचा लिया जाएगा, जैसे आज हमको बचा लिया। सोचिए ना, बिल्ली हमारे सामने से गई लेकिन हम फिर भी जिंदा है ना, रीडिंग कर रहे हैं ना अभी। तो चलिए, अभी के लिए हम जालते हैं हम अभी के लिए चलते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। टैरो क्लासेस के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, karmatarot1111@gmail.com, और वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके इनरोल करा सकते हैं अपने आप को, और जो है हमसे टैरो क्लासेस ले सकते हैं, जैसे हम रीडिंग करते हैं और जैसे हम आपको इंटरप्रेट करते हैं। अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगता है तो आप हमसे टैरो सीख सकते हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं, और डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। खुश रहिए, आवाज रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हमारा आशीर्वाद भर भर के। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। बाय।